icc versus khawar प्रॉपर्टीज ये क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए जाहिर है कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी राइट ऑन ओवर लेट्स प्ले फुल शॉट और गेम को मिल गए दो हाथ पहली विकेट पहले मैच में भी इन्होंने पहले ही ओवर में खावर ने विकेट हासिल की थी मुखालिफ ओपनर की और यहां पर इन फॉर्म खिलाड़ी को चलता किया है शहबाज को एक पुअर डिलीवरी थी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और फिर मुगेज की बैड लक मैं कहूँगा वो इसको जोरदार तरीके से पुल करने के लिए गए अच्छा कट शॉट लेट खेला मुइज ने ऑफ साइड में हमेशा की तरह आज भी मजबूत लगे और चौके से उनने अपनी इनिंग्स की इब्तदा की ये अच्छा शॉट स्वीप किया बिल्कुल स्पिनर की तरह ही ये सुलूक किया यूं कहना चाहिए बस सुलूकी की नई गेंद पे जोरदार कट और गेंद जाएगी चार रन के लिए बाहर ये वो चौका है जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये स्क्वायर के एरिया में बड़े तगड़े हैं आगे पड़ी हुई गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया इस बार मोइज ने और चार रन हासिल किए खासी बाहर थी विकेट कीपर के उनने डाइव भी की ये चार रन इनायत थी अर्शद की जानी से और बैट्समैन ने इस गेंद की 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 मदद की सामने बाउंड्री तक पहुंचाने में शावेज ने ये पुल शॉट खेला हालांकि गेंद बल्ले के बैन से नहीं आई फिर भी चार रन इम्प्रोवाइजेशन शावेज की क्या लाजवाब शोक है पहले से ही भांप लिया था कि काशी फुलर लेंथ पे परसिस्ट कर रहे हैं अच्छी इनोवेशन और अच्छा रिजल्ट यहां पे रूम दिया लेकिन बोल्ड हो गए शानदार यॉर्कर था इन स्विंगिंग यॉर्कर सीधा ऑफ स्टंप की बेस को जा टकराया और शावेज की इंटरप्राइजिंग इनिंग्स का खात्मा हो गया बिल्कुल ये शावेज समझ रहे थे इस बात को कि ये पहले की तरह थोड़ा सा डिसीव करेंगे उन्होंने रूम बनाने की कोशिश की लेकिन ऐसा हो नहीं सका Wrong line, एक मरतबा फिर और इस मरतबा उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा चार रन की सूरत में हल्का सा बल्ला भी लगाने में कामयाब हुए बाउंड्री इस मरतबा उठा दिया गेंद हवा में फील्डर मौजूद लेकिन उनकी कोशिश राय कहां गई और ये एक और बाउंड्री बड़ी टाइमली बाउंड्री मिली मोइस को कदमों का सवाल ये शानदार ड्राइव है साइड पर और काफी दूर तक जाना पड़ा फील्डर को गेंद को किया और हुई। ये ही चौका हो चुका है तो बड़ा मुश्किल था दौड़ कर जाना और वो अच्छा कर रहे हैं कि अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं बाहर निकल आए थे एक, एक बड़ा ब, मैं कहूँगा रिस्की स्ट्रोक था चार रन हासिल किए ने तो इस तरह बैटिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए तैंतालीस रन पर पहुंच गए छक्का बिल्कुल बीच था बैट वोइ को खेला और एक टावरिंग करने के बाद पहुंच चुके हैं उनचास रन पर नॉट आउट अगली गेंद ओवरपिच सीधे बनने के साथ बेहतर अमली तो इस तरह अपने पचास टस मुकम्मल किए मुईस ने भिजा तौर तो पर एक शानदार तहनी के तरह मुबारकबाद के मुस्तक हैं और जो कहना होगा कि अपनी टीम को उस मुकाम पर ले आए हैं जहां पर वो एक बाकूल स्कोर खड़ा करने की पोजीशन में हार चुकी है तो वेल डन मुईस हवा में और हाथों में भी जल्दी खेल गए मुईस और ऑन साइड में शॉट खेलने के लिए गए लीडिंग एज आसान सा कैच और इस तरह की उम्दा इनिंग्स का खात्मा हो गया अपनी उंगलियों को इस गेंद पर रोल किया था ये अच्छा शॉट खेला गेंद बल्ले की लपेट में आ गई स्पिनर जैसा सलूक किया हुसैन तलत ने फुल टॉस के साथ और चार रन के साथ सौरान्स भी मुकम्मल हुए घनी इंस्टिट्यूट के विद द ने शॉट खेला और यह हवा ले गई इस गेम को मैदान के बाहर बहुत ही जोरदार छक्का था हुसैन तलत का उन्हें हवा का फायदा हुआ ये अच्छा शॉट खेला इसको ड्राइव किया गेंद बिल्कुल जमीन से लगी लगी गई अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हुसैन तलत जो 30 के बेठे में पहुंच गए अच्छा शॉट खेला और कोई माफी नहीं है जब बैट्समैन सेट हो जाए मोहसिन ने कवर ड्राइव किया गेंद उनके पाले में गिरी थी उमदा ग्राउंड शॉट चार के लिए। और ये आउट हो गए ये शॉट गेंद थी मोहसिन इसे विकेट कीपर की जानी फ्लिक कर बैठे सरा एक और विकेट गिर गई देखिए गे। रैम शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बैट से गई बहुत ही महीन सा किनारा लगा बल्ले का एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर की हुसैन तलत को जाना होगा और क्या ये नो बॉल तो नहीं थी अंपायर जो है वो भी मुतमिन नहीं है और यहाँ पे वो बच जाएंगे फैसला आने को है बड़ी स्क्रीन पर और जी हाँ और इसके साथ ही उन्हें मिलेगी फ्री हिट भी सोरवान बड़ा शॉट बहुत ही बड़ा शॉट ये इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है हुसैन तलत के बल्ले से आते हुए बहुत ही शानदार शॉट ये कड़ाकेदार शॉट था ये तगड़ा शॉट था इसे स्लाइस कर दिया थर्ड मैन के सर के ऊपर से गेंद स्किड होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन इस मरतबा विकटों के दरमियान लो फुल टॉस और का कॉर्नर पे चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी महंगा ओवर काशिफ का और जबरदस्त स्ट्रोक हुसैन तलत का यहां चूक गए और उसम आमिर को दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी फुल टॉस चेंज ऑफ पेस थी लेकिन एक्सीक्यूशन में चूक गए हुसैन तलत ने घुमा दिया एक मरतबा फिर अच्छी बैट स्विंग और अच्छी आवाज आई और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार दोनों बैटर्स जो हैं हैं। अब में डील कर रहे हैं। और बोल्ड हो गए फौरी बदला लिया अर्शद इकबाल ने थोड़ी सी रफ्तार में रद्दो बदल की और हुसैन तलत एक मरतबा फिर अपना स्ट्रोक रिपीट करना चाह रहे थे इस मरतबा अपनी विकटों से हाथ धो बैठे या, ऐसा ही होता है जब क्वालिटी मीट्स क्वालिटी ये थोड़ा इन द दिच बॉल किया थोड़ा कटर करने की कोशिश की हुसैन तलत एक बार फिर जोरदार हिट मारना चाहते थे इन साइड और बोल्ड हो गए तो जब दो बेहतरीन क्रिकेटर आमने सामने होंगे तो ऐसी ही क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको बहुत ही कमाल की इनिंग रही है जबरदस्त इनिंग हुसैन तलत की जानब से टाइमली इनिंग बड़े मैच के अंदर छप्पन रन बनाए पैंतीस बॉलों पर और जी आई सी अब एक सौ बासठ पर पांच एटीन पॉइंट टू ओवर्स में इस मरतबा पल्ला लगा और ये फाइनल लेग पे निकल जाएगी चार रन के लिए ज्यादा कन्विंसिंग शॉट नहीं था लेकिन इस बात की किसे परवाह चार रन तो आ गए ये टॉप एज है और ये छह रन के लिए निकल जाएगी गेंद विकटों के सामने आ गए और पूरा इरादा था उनका ऑन उन साइड पे हिट लगाने का कीमती रन दो गेंदों पर दस रन आ गए इस मरतवा गेंद विकटों के अंदर जाते हुई और अंपायर का इशारा के आप आउट हो गए हैं राइट राउंड द विकेट एंगल था यही राशिद को देखना था कि क्या गेंद नीचे जा रही थी लेकिन उन्होंने फैसला बॉलर के हक में दिया काफी दी स्टंप आए। इन अच्छा डिसीजन है से। आवाजें दो जरूर आई थी लेकिन जितने एक्सपीरियंस राशिद रियाज हैं ये हार्डली गलत डिसीजन देते हैं अच्छा फैसला राशिद का और बोल्ड कर दिया फैजान ने एक मरतबा फिर बड़ा भरपूर यॉर्कर था और सज चुके हैं जी आई सी के लिए यहाँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है मैं कहूंगा जी आई सी की जानेब से उनके बैटर्स की जानेब से जिसको स्टार्ट किया था कप्तान मोहित गनी ने और उसको अच्छा फ्लो प्रोवाइड किया था हुसैन तलत ने और एंड पे फिनिश अच्छा किया उसामा मीर और असद ने जीआईसी ने पहले बैटिंग करके अपने 20 ओवर्स में 178 सौ रन बनाए हैं सात विकेट्स गवा के बॉलिंग यूनिट अच्छी बॉलिंग रही खावर ने एक विकेट हासिल की अरशद इकबाल ने दो विकेट हासिल की काशिफ अली ने एक विकेट मोहम्मद फैजान ने दो और आमिर अजमत ने एक विकेट हासिल शौर्ट, बड़ा शॉट, शॉट फील्डर फील्डर मौजूद, नीचे, आसानी से कैच ले लिया। तो चार डॉट बॉल्स का प्रेशर थोड़ी सी पीछे गेंद थी अंदर आई उसको पुल करना चाहते थे गेंद बहुत देर हवा में रही और जितना उम्दा कैमरा वर्क था उतना ही उम्दा कैच यहां पर पहली कामयाबी गनी ऑफ़ क्रिकेट के लिए फेजान, फेजान, उसाम अमीर है नीचे। उसाम अमीर ने कैच ले लिया। को एक ही तरीका आता था, वो बड़े हिट थे। और उसी तरीके से आउट भी जीरो पर दो खबर प्रॉपर्टीज मोहम्मद फैजान जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी थी ये गेंद उनके बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगा और उसामा मीर के लिए इससे आसान कैच नहीं हो सकता था स्कोर कोई नहीं और दोनों ओपनर अब पहुंच चुके हैं अपने डग आउट में और इतनी ही जोर से यह शॉट खेला जितनी तेज गेंद की थी कट किया पॉइंट के पास कोई मौका नहीं और आते ही अपनी धाक बिठाने की कोशिश की है तबरेज बट ने शॉट के लिए। अमीर हमजा के बल्ले से बहुत ही कमाल का शॉट खेले हैं लेकिन कहेंगे कि ये खराब बॉलिंग है इस लाइन और लेंथ पे अगर आप बॉल करेंगे तो सिर्फ बल्ला ही लगाना है हवा में बॉल है फील्डर नीचे है बहुत ही अच्छी एफर्ट चाहिए होगी कैच के लिए जी हाँ बहुत ही शानदार कैच ले लिया है फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही कमाल कर रहा है जी आ, इसी की जानब से बेहतरीन कैच लेकर अमीर हमजा की इनिंग का अख्ताम किया है इस बार शराज की दूसरी विकेट टॉप एज हो गया बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन दाद देनी होगी फील्डर को क्योंकि स्कायर्स कभी भी आसान नहीं होते अपनी नजरें जमाई रखी बड़ा शॉट बड़ा शॉट मिड विकेट के जाने चार रन के लिए और ना सिर्फ ये एक चौका था बल्कि उसके साथ एक नो बॉल भी है डीप इन द क्रीज गए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट क्या लेग्स हैं जी हाँ चार रन के लिए चला जाएगा बॉल ओ ये डायरेक्ट थ्रो है ये डायरेक्ट थ्रो है ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं लगता है कि यहीं से अब वापस जाना होगा बल्लेबाज को कर दिया ये कमाल क्या बॉल है ये अब्बास आफरीदी की जानव से पढ़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आया और इरफान न्याजी जिन पे बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत सारी नजरें हैं एक रन बनाकर बोल्ड हो गए कोई अंदाजा नहीं था बॉल किस तरीके से अंदर घुसा और, बोल्ड कर दिया को। और अब ने जहां पर पी एस एल को खत्म किया था वहीं से शुरू किया ये विकटे जो हैं वो जगमगा उठी इरफान न्याजी बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर आएगा और अब वापस वापसी का सफर है इरफान न्याजी का और शायद खबर प्रॉपर्टीज को भी अब वापस जाना होगा छब्बीस पर पांच अच्छा कैच हो सकता था लेकिन बाल बच गए कितनी शानदार अटेम्प्ट थी एक फुल ब्रेडिट कट थी एक फिर आसिफ बाउंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे ये बहुत ही अच्छा एंगल है गेंद उनके हाथ में आ गई थी लेकिन जो ही वो दाएं जाने गिरे तो गेंद उनके हाथ से निकल गई अच्छी कट की है चार रन हो गए ये रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया अब बॉस्टर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की और इसको बड़े छतरी के से पांचिया पहुंचा दिया आसिफ ने पॉइंट बाउंड्री के बाहर शॉर्ट बॉल थी उसामा की और आउट हो गए पहली ही गेंद पर आसिफ अली की विकेट जाती रही उसामा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी थी लेकिन ऐसा हो जाता है और अब मुकाबला बिल्कुल एकतरफा हो गया बहुत उम्दा कैच बहुत ही अच्छा कैच। अब इसमें भी मुझे लगता है बैट्समैन के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, क्लोज डिसीजन हो सकता है विकेट कीपर काफी पुरजोश थे और मुझे लगता है यहाँ पे विकेट कीपिंग की दाद देनी होगी बहुत शानदार टेक्निक है मुश्किल थ्रो उन्होंने गैदर की ऑन द बाउंस और क्विक वर्क्स और काम तमाम कर दिया उन्होंने यह अच्छा फैसला रहा अंपायर का भी लेकिन कौन साइड पे टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग की जानब और उसामा मीर खुश नहीं है कि इन चार प्लस के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है आउट आठवीं विकेट गिर गई हुसैन तलत से बॉलर बैटर थे अर्शद इकबाल अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है आज फील्डिंग का मैार भी बहुत उम्दा रहा है ग्राउंड फील्ड हो या कैचेस हो बाउंड्री लाइन पर भी हमने कैचेस देखे सर्कल में भी और ये भी अर्शद इकबाल की बहुत ही कमजोर शॉट थी और फील्ड प्लेसिंग बहुत ही उम्दा की गई है शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए और जहां फील्डर रखा वही कैच दिया अर्शद इकबाल ने चार रन बनाकर वापस जा रहे हैं और 48 पर आठ विकेटें गिर गई हैं खावर प्रॉपर्टीज की मिल सकते हैं और मिल गए अच्छी कोशिश थी हो गए गनी ने विकेट आसिल यहां पे मुमताज थोड़ा एनिमेटेड थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने गए हुए क्योंकि ये ज्यादा फुल था बॉल इस शॉट के लिए और अपनी विकेट गवा दी और गनी को पहली विकेट हासिल हो गई है ये शॉट की कोशिश कर रहे थे और इस दफा बीट हुए दोनों टांगों के दरमियान से तीनों विकटें दिखाई दे रही थी और मोइ गनी की ये पहली कामयाबी है नवी विकेट गिर गई है महज छप्पन के स्कोर पर मेहरान ग्यारह रन बना कर गए बॉल कर दिया और इसके साथ ही गनी क्रिकेट ने पहले गनी रमजानी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया शानदार परफॉर्मेंस रही जहां पे शराज ऐसे बॉलर थे जिन्होंने इस जीत की दाग बेल डाली और पहले ही इस टूर्नामेंट में अपनी होम साइड होने के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया ये नौजवान टीम थी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की जिन्होंने फाइनल में जगह बना ली है और एक भारी भरकम मार्जिन से ये कामयाबी हासिल की है आ, ये, ये बैटिंग देख लीजिए इसमें दो बैट्समैनों के कोई भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ और दस ओवर चार गेंदे बासठ तो बच्चों स्कोर ऐसा तो सोचा ना था खावर प्रॉपर्टीज एक लगता है कि रेत की दीवार साबित हुई और ये देख सकते हैं आप तमाम बॉलर कामयाब हुए हर बॉलर को एक एक विकेट मिली या फिर दो विकेट हासिल की शेराज खान ने और का विक्तीय जिस तरीके से हुआ वो पहली सीवर पर दूसरी सिवर पर तीसरी पंद्रह पर चौथी छब्बीस पर पांचवी छब्बीस पर छठी तैतीस पर सातवीं पर आठवीं अड़तालीस पर नवी छप्पन पर और दसवीं विकेट बासठ पर गिरी मीन इट वॉज अफेटर ये मैच प्रॉपर्टीज